कांग्रेस सपा आए साथ, बीएसपी परेशान, मायावती के 10 सांसदों को क्या हो गया? चर गुंडन की छाती पर अब मोहर लगेगी हाथी पर, नारे वाली बहुजन समाज पार्टी का नारा अब बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ना तो गुंडों की छाती पर चढ़ने की बात हो रही है और ना ही हाथी पर मोहर लगने की बात हो रही है, क्योंकि हाथी के 10 सवारी अब अपना सफर बदलने के लिए दूसरा रास्ता देख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कामिनी झा और आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। लोकसभा चुनाव से पहले देश के सबसे बड़े सियासी सूबे यानी उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और उन्हें बड़ा झटका भी अब लग सकता है। पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी के सिंबल से करीब 10 सांसद मायावती के साथ जो जीत कर आए थे, अब वो उनका साथ छोड़ने वाले हैं। सूत्रों की माने तो बीएसपी के सभी सांसद दूसरे दलों का दामन थाम सकते हैं कि बीएसपी की दसों सांसदों पर कांग्रेस, बीजेपी और सपा की नजरें टिकी हुई हैं। बताया जा रहा है कि मायावती की पार्टी के 4 सांसद बीजेपी में, 3 समाजवादी पार्टी में और 3 कांग्रेस में जा सकते हैं। मायावती का रुख भापते हुए सांसदों में हलचल तेज हो गई है। इन सांसदों के नाम भी एक बार आपको बता देते हैं जो मायावती को धोखा देने की तैयारी में हैं। जौनपुर से श्याम सिंह यादव, लालगंज सीट से संगीता आजाद, अंबेडकर नगर से रितेश पांडे, वही श्रवस्ती से राम शिरोमणि और बिजनौर से मलूक नागर, अमरोहा से कुंवर दानिश अली, वही सहारनपुर से हाजी फजरुल रहमान, वही नगीना से गिरीश चंद जाधव और घोसी से अतुल कुमार राय, गाजीपुर से अफजल अंसारी, अभी जो बीएसपी से सांसद हैं, ये कभी भी बीएसपी को अब छोड़ सकते हैं। आपको बता दें कि तमाम सांसद टिकट मिलने की गारंटी के साथ ही दूसरी पार्टी में जाने की तैयारी में है। मतलब इन्हें डर है कि बीएसपी इस बार इन्हें टिकट शायद ना दे, इसीलिए अब ये दूसरी पार्टी में अपना रास्ता और अपनी जगह देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस एक तरफ सभी विपक्षी दलों को एक साथ लगाने में लगी हुई है। पिछले दिनों यूपी कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे का बयान भी सामने आया था। इसमें उन्होंने कहा था कि विपक्षी गठबंधन INDI का द्वार बहुजन समाज पार्टी के लिए बंद नहीं हुआ है। कांग्रेस नेता के बयान के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई थी। दावा किया जाने लगा था कि कांग्रेस और बीएसपी के बीच बैकडोर में कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है, लेकिन बीएसपी कार्यकर्ताओं के बीच इस मामले को लेकर सुगबुहार जैसे ही तेज हुई, वैसे ही मायावती ने सामने आकर कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए लिखा कि एक बार फिर दोहरा रही हूं कि लोकसभा चुनाव 2024 में बीएसपी अकेले अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरेगी। उन्होंने कहा कि मैं विपक्षी गठबंधन को आईना दिखाती हूं और अब लग रहा है कि मायावती शायद अकेले ही NDA और INDI के खिलाफ लोकसभा चुनाव के मैदान में दिखाई देंगी, क्योंकि 2019 के सिपाही जो उनके साथ थे और जीत कर आए थे, वो अब उनसे अलग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में 22% वोट भी बटेंगे और इन वोटों के बटने से किसे फायदा होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस वक्त राजनीतिक पार्टियों में जो जोड़ तोड़ चल रही है, उसका फायदा किसे होगा और किसे इसका नुकसान होगा, ये तो लोकसभा चुनाव के मतदान के बाद जब नतीजे आएंगे तभी पता लगेगा। फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह की तमाम खबरों और वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।